आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी प्रदेश में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है, जिसके बाद इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने बताया कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में लगातार मजबूत हो रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। आम आदमी पार्टी के लोगों को पैसे व पद के प्रलोभन देकर बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग किया गया है और जल्द ही इसका गठन भी कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश में मजबूत है, लोग बीजेपी व कांग्रेस से परेशान हैं। नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी प्रदेश में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के लोगों के फोन टैप करने का आरोप लगाया है। बीजेपी की सरकार तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी जाँच होनी चाहिए। 6 तारीख को जो मंडी में अरविंद केजरीवाल जी ने रोड शो किया है, जिस जनसैलाब के साथ उन्होंने रोड शो किया है, आम आदमी पार्टी के जनमानस और जनसमूह से जो जनसैलाब वहाँ आया, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र ने तो हिल उठा है और वो परेशान हो गए हैं कि इतना आम जनमानस हिमाचल प्रदेश का आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ाव इनका हो रहा है। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरे की निशानी है और हमारी अस्वीकारिता प्रदेश की जनता के अंदर है। तो उस एवज में केंद्रीय मंत्री जो सीधा बिना किसी मंडल को पूछे, बिना प्रदेश के जो हमारे जो इनके भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी है उनको बिना पूछे 2-4 लोगों को दिल्ली ले जाकर अपने मंत्रालय में ज्वाइन करवा रहे हैं, उस ज्वाइनिंग से बौखलाहट साफ नजर आती है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने नीतिगत फैसला लेके जो प्रदेश की जो हमारी कार्यकारिणी है, चाहे वो मोर्चे हैं प्रदेश लेवल के, उनको जो है भी भंग कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। समय के साथ अध्यक्ष भी बनेगा और वो कार्यकारिणियां भी बन जाएंगी, लेकिन अभी विधानसभा क्षेत्र की जो हमारी कार्यकारिणी है, जिसमें हमारा अध्यक्ष सर्वोपरि होता है, उन्हें रिटेन किया गया है। वो अभी काम करते रहेंगे क्योंकि मंडल शाह हमने जो है विधानसभा क्षेत्र के साथ हमारा लोगों का जुड़ाव हो रहा है, तो उनका रहना बड़ा ज़रूरी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं। वो 2-4 लोगों को उठा रहे थे, दिल्ली ले जाके ज्वाइन करा रहे थे। अपने कार्यकर्ता उनके घर में बैठे हैं, जिन्होंने पार्टी खड़ी की, जिन्होंने 40-50 पूरा जीवन अपना भारतीय जनता पार्टी के लिए लगा लिया, उनको वो पूछ नहीं रहे हैं। ये सीधा सीधा एक वहाँ वर्चस्व की लड़ाई है, प्रदेश के नेता की वर्चस्व की लड़ाई अलग है, केंद्रीय नेता के वर्चस्व की लड़ाई अलग है, केंद्रीय अध्यक्ष के जो नेतृत्व की लड़ाई वो अलग है। अपने 2-4 लोगों को उठा के अब वो आम आदमी पार्टी की जो अभी मेंबरशिप है वो 5 लाख के करीब मेंबरशिप है, 3.5 लाख रिकॉर्डेड मेंबरशिप है, तो उसमें से कितने लोग ले जाएंगे? भाई अनुराग जी, आप 30 ले जाओगे, 300 ले जाओगे, वहाँ से 3,000 जुड़ने के लिए आते हैं, 30,000 लोग जुड़ रहे हैं। बेसी आम जनता जो हिमाचल प्रदेश की आम जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की क्रियाकलापों से अवगत हो चुकी है। वो उनको पता है कि ये ठगने का काम करते हैं, इनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उसी का जो रिएक्शन एक बहुत बड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी भांप रही है कि आम आदमी पार्टी इस बार निश्चित ही 2022 के चुनावों में जो है सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, इसलिए वो ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के फोन टेप किए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस प्रशासन को वो यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी थोड़ी ये चीज़ देखनी चाहिए कि भाई नौकरी सरकार की कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की नौकरी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के फोन टेप हो रहे हैं, उनकी निजता पे पूरा सीधा सीधा हमला है कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, पूरी उनकी ट्रैकिंग रखी जा रही है। और पहले भी एक बहुत बड़ा टेलीफोन कांड हिमाचल प्रदेश में हो चुका है, उससे भी उभरे नहीं और ये दूसरा करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ आप देखिए, हमारे लोगों को दिल्ली से फोन कर रहे हैं, अनुराग जी के लोग फोन कर रहे हैं कि हाँ जी आप बीजेपी में आ जाइए, आपको फलाना पद देते हैं, आपको कितने पैसे चाहिए। इस तरीके की हमारे पास रिकॉर्डिंग है, फोन के डिटेल्स हैं। तो आप देखिए जिस तरीके की ये सारी चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है, इनके नेता वर्चस्व की लड़ाई में उतर चुके हैं, इससे साफ बौखलाहट नज़र भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रही है। और आम आदमी पार्टी का बढ़ता कुनबा देखकर दिन प्रतिदिन जो हमारी लोकप्रियता प्रदेश में बढ़ रही है, निश्चित ही 2022 के अंदर एक हम तीसरा विकल्प लोगों को देने वाले हैं। और हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।